हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ज केजर। हाँ तो गाइस, सालार सीज फायर पार्ट वन में जिस लेवल का एक्शन देखने को मिला है, थ्रिल देखने को मिला और मोस्ट ऑफ दी फुल सस्पेंस जो देखने को मिला है, इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जो कि डायरेक्टर प्रशांत नीलसन ने इंडियन ऑडियंस के साथ शेयर किया, यानी कि सालार सीज फायर पार्ट वन। और काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट आ रहे हैं कि हर्ष भाई, सालार पार्ट वन की तबाही तो हमने थिएटर में देख ली, लेकिन काफी सारे सीन नहीं शेयर किए गए हैं मूवी की टीम की तरफ से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सिमरित कौर का आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिला जो कि रिसेंटली ऑफिशियली लेवल पे अपडेट निकल कर आया था। टीनू आनंद नहीं दिखा, कौन से वाले टीजर वाला डायलॉग वाला सीन नहीं देखने को मिला है। उसी के साथ साथ सालार का फर्स्ट सिंगल यानी कि वो AKM के ऊपर अपना हाथ रखे वो वाला सीन देखने को नहीं मिला है। इसका अपकमिंग कोई शेड्यूल बता दो, इसके शूट से रिलेटेड कोई अपडेट दे दो, इसकी रिलीजिंग डेट का कुछ अपडेट शेयर कर दो। तो गाइस, प्रीवियस में रिसेंटली 15 दिन पहले जो सालार 2 के बारे में जो अपडेट्स निकल कर आई है, और वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सीन क्यों नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं। हाँ यार, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, सालार मूवी एक ऐसी तबाही है जिसके नीचे हर कोई कुचल के मर गया, हर कोई कुचल के मिल गया, चाहे वो पान मसाला स्टार हो, चाहे वो ये हकला फैंस हो, ये फैन हो, झोपड़पट्टी वाले फैन हो, या फिर बोलो जुवा केसरी वाले, सबके सब भाई सब प्रभास अन्ना सर ने कुचलते हुए नीचे से चले गए हैं। और रही बात सीन की जो कि आप लोगों को सालार मूवी में देखने को नहीं मिले, थिएटर में देखने को नहीं मिले, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन जो रिसेंटली अपडेट निकल कर आई है सालार 2 के बारे में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ तो गाइस, सालार 2 का जो शूट 35% कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि 35% शूट कंप्लीट कर दिया गया। देखिए भाई सब कितने एडवांस्ड है अपने डायरेक्टर प्रशांत नीलसर और होमबोले फिल्म और अपने लीड एक्टर प्रभास अन्ना, उसी के साथ साथ भाई 35% शूट कंप्लीट कर दिया गया, भाई सब आउटस्टैंडिंग वाला वाइब आ रहा है। और गाइस, सालार मूवी के नेक्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो शेड्यूल बताया जा रहा है 15 जनवरी 2024 से लेके 15 मार्च 2024 तक का बताया जा रहा है। टोटल 2.5 महीने काम स्टार्ट होने वाला, ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है। और ये जो शेड्यूल होने वाला प्रॉपर 2 मंथ का होने वाला है। उसके बाद अपने जो मिस्टीरियस डायरेक्टर प्रशांत नीलसर, जिसने कि इंडियन सिनेमा की सस्पेंस बना, मतलब कि मां बहन करके रख दी, तो अपने डायरेक्टर प्रशांत नीलसर 1 मंथ का ब्रेक लेंगे। उसी के बाद अप्रैल मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक NTR 31 का फुल टाइट शेड्यूल होने वाला, यानी कि अपने जो जूनियर NTR सर है ना, उनके साथ NTR 31 का प्रॉपर तरीके से अप्रैल मंथ से लेके नवंबर मंथ तक 2024 तक इतना टाइट शेड्यूल होने वाला है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। और गाइस, ऐसा बताया जा रहा है जो सालार पार्ट 2 आने वाली है, ये प्रॉपर तरीके से 2025 में आने वाली है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस, आप लोगों को पता होगा KGF चैप्टर 1 की जो ऑफिशियल रिलीजिंग डेट थी वो थी 21 दिसंबर की थी 2018 में। उस समय जीरो के साथ क्लैश किया था। फिर उसी के बाद जो अपनी KGF चैप्टर 2 जो रिलीज हुई थी 14 अप्रैल 2022 को हुई थी। तो गाइस देख ले, सालार 1 सेम डेट पर रिलीज हुई है, यानी कि 21 दिसंबर, यानी कि USA में फर्स्ट प्रीमियर रहा था, आप लोगों को पता होगा। तो अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है कि ये जो सालार पार्ट 2 आने वाली है, ये प्रॉपर तरीके से 14 अप्रैल 2025 को आने वाली है। अब गाइस, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बस हमें ये पता है कि भाई सब जल्द से जल्द काम कंप्लीट कर लेना, तो इंडियन सिनेमा को फिर हिलाना भी तो है, बर्बाद भी तो करना है नल्ले एक्टर बेरोजगार डायरेक्टरों को यार। और गाइस, अब रही बात इसके सीन की, जो सिमरित कौर का आइटम सॉन्ग ही क्यों ना हो, टीनू आनंद का वो डायलॉग बाजी क्यों ना हो, जो कि टीजर में टाइगर लायन चीता बोलते हुए नजर आए थे, और वो मतलब कि फर्स्ट सिंगल प्रभास अन्ना सर का जो कि AKM के हाथ के नीचे रखा हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादा मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हाँ तो गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो चीजें बताई गई है सिमरित कौर और वो जो टीनू आनंद सर का डायलॉग बाजी वाला वो जो सीन था जो टीजर में देखने को मिला था ऑफिशियल टीजर में, हो सकता है ये जो 35% शूट कंप्लीट कर दिया गया है सालार 2 का, तो उसमें भी तो इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि उसी का एक
पार्ट हो सकता है सालार टू में, और ये जो सीन जो अपने से मिस हो गए हैं, चाहे वो आइटम सॉन्ग ही क्यों ना हो, टीनू आनंद सर का वो डायलॉग बाजी वाला सीन ही क्यों ना हो, और वो फर्स्ट सिंगल ही क्यों ना हो प्रभास अन्ना सर का मूछो वाला AKM के साथ, तो ऐसा तो हो सकता है ना गाइस कि ये सारी चीजें अपने को पार्ट टू में देखने को मिलेगी। और गाइस लिटरली बहुत मन कर रहा है सालार मूवी को और देखने का, लेकिन यार पैसे ना होने के कारण मैं प्रॉपर तरीके से, वैसे तो बहुत मन है 5-7 बार देखने का, लेकिन पैसे के कारण मैं ये चीज देख नहीं पा रहा हूं। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है और टेंशन की कोई बात नहीं है, जो यहां पर कमी लगी है लोगों को और पार्ट टू में ऐसी कमी पूरी करने वाले हैं, ऐसी कमी पूरी करने वाले हैं कि इंडियन सिनेमा क्या हेटर्स कॉम्पिटेटर। और जब भी सालार पार्ट टू आएगी ना भाई साहब, अगर कोई उसके आसपास 2-2 मंथ तक भी कोई आगे पीछे पिक्चर होगी ना, सच बता रहा हूं कोई भी रिलीज नहीं करने वाला, चाहे वो बड़े से बड़ा सूरमार डायरेक्टर मतलब कोई भी हो यार, रिलीज नहीं करेगा, क्लैश नहीं करेगा। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सालार मूवी के पार्ट टू के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपके क्या ओपिनियन है, ये जो सीन सालार मूवी के अंदर नहीं दिखाए गए और क्या लगता है 35% शूट कंप्लीट कर दिया गया है, और नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में क्या लगता है, 15 जनवरी से 15 मार्च तक शूट होने वाला है क्या, अपने ओपिनियन भाई कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।